हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है फ्रेंड, और अभी बस कर रही हैं होम हाउस क्लीनिंग। तो सबसे पहले बेडरूम से स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल फ्रेंड, क्योंकि अभी माही है। तो माही देखिए कपड़े वगैरह तय कर रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड माही ने बेडशीट वगैरह तय कर दी है देखिए सारी। और ये फ्रेंड मोम जामा है, आपने देखा होगा, आपको पता होगा, मतलब वैसे तो अभी ख़राब सा हो गया है थोड़ा सा देखिए। तो ये फ्रेंड मैं पीहू के नीचे बिछाती हूँ, क्योंकि कई बार अगर ठंड होती है, मौसम ठंडा होता है, तो मतलब बाथरूम वगैरह अगर कर देती है, तो इसलिए मैं मतलब चाहे ना भी करे तो भी फ्रेंड मैं अभी बिछा के सोती हूँ, क्योंकि बच्चे का कुछ पता नहीं होता है और फिर मतलब बिस्तर वगैरह ख़राब होते हैं, इसलिए फ्रेंड। और यहाँ देखिए फ्रेंड मेरे फाइनली मशीन के पैर आ चुके हैं ये रे, और अभी जोड़े नहीं हैं, यहाँ पे रखे हैं। तो मेरे हस्बैंड हैं अभी, वो इनको जोड़ेंगे और लगाएंगे आज शायद। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये है मॉस्किट, ये देखिए ये रे, और काफ़ी अच्छे फ्रेंड। जब मैं इसे लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, वैसे तो यूज़ कर लिया एक बार मैंने, और ये अभी 2-3 दिन हो गए हैं जब आई थी फ्रेंड ये, पर इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। और ये फ्रेंड मैंने मतलब किससे मंगाई थी, मुझे याद नहीं है फ्रेंड, मैंने पता नहीं फ्लिपकार्ट से मंगाई थी और काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, और मैंने 600 की मंगाई है ये, और बहुत अच्छी है, कम्फर्टेबल है। क्योंकि फ्रेंड हमारे यहाँ पे मच्छर इतने ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और जो हम पहले मच्छरदानी लाए थे ना उसमें बड़ा झंझट सा है बांधने का, और वो थोड़ी सी फट भी गई है बच्चों से, तो इसलिए अब मैंने आपकी बड़ी वाली मंगा ली है, क्योंकि काफ़ी ठीक रहती है ये वाली, और ज़्यादातर ये यूज़ कर रहे हैं अब सब। तो ठीक है फ्रेंड, हाँ मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, अभी कर लेते हैं क्लीनिंग। और माही को देखिए यहाँ पर मेरी, माही का भी ब्रेकफास्ट हो गया। ओके चलो ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड थोड़ी देर में। और यहाँ पे फ्रेंड मेरे मतलब कि झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका था और बस बाहर का ही रह गया था, तो मैंने ज़्यादा बड़ी क्लिप नहीं लिया, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो मैंने यहाँ की बस एक छोटी सी क्लिप ले ली है, और बस यहाँ पे पोछा वगैरह लगा दूँगी, और उसके बाद फ्रेंड खाना वगैरह बनाना है। और मम्मा है मेरी, वो बाथरूम में कपड़े वगैरह धोने लग रही थी, तो वो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई है, तो बस यहाँ पर पोछा वगैरह लग जाएगा मेरा। और थोड़ी सी फ्रेंड मैंने वॉइस ओवर कर दिया है यहाँ पे, नहीं तो मैं वॉइस ओवर बहुत कम करती हूँ, पहले कर देती थी बट अब नहीं करती हूँ, क्योंकि फेस के सामने मतलब कैमरा रख के बात करने की बात अलग ही होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड मेरा पोछा वगैरह लग जाएगा, और वीडियो फ्रेंड मेरी माही है वो बना रही है, तो मैं सोच रही थी पता नहीं कैसी बनी होगी। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए पीहू है, पीहू मेरी ऑयल वगैरह लगा रही है, और मैं मना कर रही थी फिर भी नहीं मान रही थी फ्रेंड ये। और ये फ्रेंड एक दिन पहले की क्लिप है फ्रेंड, पीहू आज मेरे सर में तेल लगा रही है, ऐड कर दिया इसके साथ, मालिश हो रही है पीहू। मालिश तो कर दो, और अभी फ्रेंड काम वगैरह सब हो गया है तो नहा ली हूँ, और अभी करते हैं डिनर की तैयारी। तो आज फ्रेंड मैं भिंडी बना रही हूँ डिनर में, और रोटी। यो क्या हो रहा है बेटा? और बच्चे वगैरह भी सब नहा लिए हैं, तो माही अभी कपड़े पहन रही है, और पीहू है, पीहू कहाँ छुप रहा है, पीहू भी कपड़े पहन रहा है अपने आप ही, अभी वो नहा के आया है। तो अभी फ्रेंड बाद में दिखाती हूँ इसको, कपड़े वगैरह पहना देती हूँ मैं। ओके तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे फ्रेंड हो गया है मेरा पीहू रेडी, और आज वाली ड्रेस पहनी है मेरे पीहू ने, हेलो करो फ्रेंड, किस कर दो
अच्छा ऐसे घूम के हाँ? आज क्या खाना है आपको? दो दो ड्रेस। आज क्या खाना है आपको? आपको फ्रेंड समझ आई है लैंग्वेज मेरे पीहू की? तो ये कह रहा है कि दो दो ड्रेस, एक शीशे में दिख रही है और एक मैंने पहनी हुई है। देखिए इधर है शीशा, देखिए दो दो ड्रेस दिख रही है ना। और आ गई है मम्मा। तो अब बनाने जा रहे हैं खाना और पीहू के लिए बनाएंगे खिचड़ी। ओके क्या खाना है पूछे? खिचड़ी खानी है। ओके तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे फ्रेंड मेरे हस्बैंड हैं, मशीन वगैरह को ज्वाइंट कर रहे हैं। तो आज फाइनली ये काम हो ही जाएगा क्योंकि दूसरा दिन है मशीन के पैर को लाए हुए। और मैं सोच रही थी कुछ काम वगैरह कर लूँगी क्योंकि फ्रेंड इससे ना एक्सरसाइज भी होती है पैरों की। तो फ्रेंड बहुत टाइम से नहीं थी और मैं घर पे मतलब यूज़ करती थी, घर पे तो थी पापा की। और यहाँ पे फ्रेंड मैं मशीन की डोरी होती है वो बना रही थी फ्रेंड, तो मैंने छोटी सी क्लिप इसकी भी ले लिया, सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड फाइनली मशीन के पायदान लग गए हैं और मशीन हो गई है रेडी चलने के लिए, चलाने के लिए। और ये फ्रेंड ओल्ड मतलब इसमें रखा हुआ था पहले, ये हाथ वाली मशीन थी। तो अभी फ्रेंड इसमें सामान वगैरह रखा है तो मैं इसे निकाल लूँगी। और ये फ्रेंड मतलब न्यू माल है जो मशीन पे लगाई जाती है ना डोरी, तो ये तो इस पर आई नहीं फ्रेंड, छोटी पड़ गई थी। तो अभी मैंने इसमें ये नई वाली है ये बना के लगाई है खुद से। तो अभी तो काम वगैरह देखती हूँ करूँगी यानी, क्योंकि इसमें ही बहुत टाइम लग गया फ्रेंड, कम से कम 1:30-2 बजे से लग रही हूँ। तो वजह से इसके पापा और 1.5 घंटा लग गया था इसे सेट करने में, और फिर डोरी सेट नहीं हो रही थी तो फिर बहुत मुश्किल से मैंने ये डोरी बनाई है। और ठीक है फ्रेंड अभी हो गया है चाय का टाइम और अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ओके टाइम हो गया अभी इवनिंग का और यहाँ पे बन गई है मेरी चाय। तो अभी मम्मा और मैं और मेरे हस्बैंड पियेंगे चाय और उसके बाद बनाएंगे खाना वगैरह, देखते हैं क्या बनाएंगे। ओके तो अभी मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में आपसे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं झाड़ू वगैरह ले रही थी क्योंकि झाड़ू ख़राब हो गई थी काफ़ी टाइम से और मैं ले भी नहीं पा रही थी, मार्केट भी गई थी तो भूल गई थी फ्रेंड। और ये जाले साफ़ करने का लिया था बट वो टूट गया था मेरा नया ही, बाकी देखती हूँ नया लूँगी आज देखती हूँ। और फ्रेंड एक रस्सी वगैरह भी ले रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए क्योंकि रस्सी भी ख़राब हो रही है फ्रेंड, तो सोचा रस्सी भी ले लेती हूँ। तो फ्रेंड अभी इवनिंग के बज गए हैं 7:30 और अभी तैयारी चल रही है डिनर की। तो आज बना रहे हैं डिनर में मम्मा बना रही हैं शायद दाल वगैरह। और अभी बस मैं बाहर ही बैठी हूँ, देख सकते हैं आप मैं बाहर बैठी हूँ। और बस अब अंधेरा होने ही वाला है फ्रेंड, सर्दियों में तो इतने टाइम बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, 5 बजे ही, और अभी तक देखिए 7:30 हो गए हैं और अभी तक इतना दिन निकल रहा है। और अभी फ्रेंड बस झाड़ू वगैरह ली थी मैंने और लिया था एक वो क्या बोलते हैं जाले साफ़ करने वाला और रस्सी वगैरह, रस्सी ली थी बांधने के लिए फ्रेंड कपड़े वगैरह सुखाने के लिए क्योंकि धूप में ना और मतलब रस्सी बांधने से वो गल जाते हैं थोड़े टाइम बाद, तो इसलिए मैंने नई रस्सी और ले ली है। और बच्चे अभी झूला झूलने लगे हुए हैं पीहू, देखिए ये बच्चों ने ऐसी बांध लिया यहाँ पे साड़ी का वो झूला सा बना के उसमें झूलते रहते हैं। तो फ्रेंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। मिलती है एक और वीडियो में, तब तक ले बाय फ्रेंड।